हेलो गाइस, आज का वीडियो है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल बिल विद के डब्ल्यू एच फॉर 7.5 HP मोटर। देखिए 7.5 HP मोटर है, वो कितना बिजली खत्म करता है महीना का और कितना बिजली खत्म करता है पर डे का, और वो कितना यूनिट खत्म करता है महीना का और कितना यूनिट खत्म करता है डे का, सब आज अपने कैलकुलेशन करेंगे ए टू जेड तक। चलिए वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहो, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यूनिट बा के डब्ल्यू एच, उसका फॉर्मूला है वाट गुणा एच गुणा 1000। एच मतलब आवर है। देखिए 7.5 HP मोटर है, अपने HP में है, उसको वाट में कन्वर्ट करना है पहले। चलिए उसको वाट में कन्वर्ट करते हैं पहले। देखिए 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट बराबर है 1 HP। अभी 7.5 HP है इज इक्वल टू 746 मल्टीप्लाई बाई 7.5 है डबल फाइव। देखिए मेरा आंसर आ गया 5595, ये मेरा वाट हो गया। अभी मेरा वाट आ गया, अभी देखिए वैल्यू अभी डालते हैं वाट के जगह पे। देखिए अभी 5595 मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाई 1000। अभी अपने को पर डे का निकालना है। पर डे देखिए सपोज 7 आवर लेखा रनिंग करता है मेरा मोटर, 7 आवर रनिंग मेरा मोटर। अब 7 के जगह पे आपने 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। अपना मोटर कितना टाइम तक चलता है ये आपने को लिखना है इधर। सपोज एज के एज जगह पे एज है आवर है, वो कितना आवर चलता है आपको लिखना है। सब 3 ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। चलिए अभी वैल्यू डालते हूँ 5595 गुणा 7 डिवाइडेड बाई 1000। अभी इसको कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए मेरा आंसर आ जाएगा 39.165, ये है यूनिट पर डे का। ये पर डे मेरा निकल गया। देखिए 7.5 HP मोटर है, ये 7.5 HP मोटर है, हर पर डे 7 आवर रनिंग मोटर, तो मेरा यूनिट आएगा 39.165, ये यूनिट है क्या पर डे का। अभी अपने को पर मंथ का निकालना है। देखिए इसीलिए अपने महीना का यूनिट निकालता है। देखिए क्या है ना, जो अपना इलेक्ट्रिक जो बिल आता है ये महीना का आता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। अपने इसीलिए अपने जो पर डे का जो यूनिट निकला उसमें 30 मल्टीप्लाई कर देना है, जितना आंसर आएगा ये मेरा महीना का यूनिट है। देखिए अभी मैं मल्टीप्लाई कर दिया 39.16 मल्टीप्लाई बाय 30, मेरा आंसर आ गया 1175.95, ये यूनिट पर मंथ का, ये मेरा मंथ का निकल के आ गया। देखिए 7.5 HP मोटर है, पर डे यदि 7 आवर रनिंग होता है तो मेरा यूनिट आता है 39.165, ये यूनिट पर डे का, ये डे का आ जाता है। और इसी हिसाब से आपने महीना का निकालते हैं, ये जो 39.16 मल्टीप्लाई बाई 30 कर देना है, ये मेरा टोटल आ जाएगा, माने यूनिट आ जाएगा कितना 1175.95 यूनिट, ये मेरा मंथ का आ जाएगा। अभी आपने देखेंगे गवर्नमेंट रूल है ना, एरिया वाइज अलग अलग यूनिट के लिए चार्ज लगाता है। सपोज आप सिटी और विलेज और इंडस्ट्री में ये सब लेके अपने सब अलग अलग चार्ज लगाता है। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज विलेज के लिए 1 यूनिट के लिए 3 रुपीस लगता है अभी देखिए, और सिटी के लिए 5 रुपीस लगता है, और इंडस्ट्री के लिए 9 रुपीस लगता है। ये सब चार्ज लगता है अपने गवर्नमेंट हिसाब से। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपका एरिया में कुछ अलग होगा ऐसा ही, आप सोच लो। मैं अभी निकालता हूँ, महीना का निकालूंगा, उसके बाद आपका डे का भी निकालूंगा। महीना में कितना अपना यूनिट ख़त्म होता है और उसी हिसाब से आपने कितना बिल पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए ये यूनिट है 1175.95 मल्टीप्लाई करना है 3, ये 3 आपने इसीलिए जो मल्टीप्लाई करते हैं, ये यूनिट का चार्ज लगता है। सपोज हमें विलेज में बिलोंग करते हो ना, उसका चार्ज यूनिट का 1 यूनिट का चार्ज लगता है 3 रुपीज। अभी उसको मल्टीप्लाई कर देते, देखिए 3524.85 रुपीज़, ये महीना का बिल आ गया। अभी सिटी का आपने को निकालते हैं, सिटी में सिटी सिटी का मंथ का। देखिए
11.75.95 मल्टीप्लाई बाई 5, ये मेरा आंसर रह गया 5874। ये मेरा आंसर आ गया महीने का इतना बिल पे करना पड़ेगा महीने का, सिटी में आप यदि बिलोंग करते हो। अभी अपने इंडस्ट्री का निकालते, देखिए 11.75.95 मल्टीप्लाई बाई 9, उसका आंसर रह जाएगा 10,574.55। ये मेरा आंसर रह जाएगा। अभी देखिए आपने विलेज और सिटी और इंडस्ट्री, ये तीनों का आपने महीना का बिल पे कितना होता है आपने निकाल दिया। अभी आपने डे का कितना बिल पेमेंट करना पड़ता है आपने उसको निकालते हैं, चलिए देखते हैं। डे का यूनिट होता है 39.165, उसमें मल्टीप्लाई करना है 3, आंसर आ जाएगा 170.495 रुपीज़। ये पर डे का पैसा इतना आपने को पे करना पड़ेगा। अभी आपने सिटी का निकालते 39.165 मल्टीप्लाई बाई 5, मेरा आंसर आ जाएगा 195.825 रुपीज़। ये आपने को पर एक दिन का इतना बिल आएगा। अभी आपने इंडस्ट्री का निकालते, देखिए पर डे का 39.165 मल्टीप्लाई बाई 9, मेरा आंसर आ जाएगा 352.485 रुपीज़। ये मेरा आ जाएगा पर डे का कितने रुपीज़ पे करना पड़ता है, इतना अपने को पे करना पड़ेगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दूसरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक बाय बाय।